हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑन नाटा JEE पेपर 2 सीरीज़। और आज हम इस वीडियो में पूरी की पूरी कलर थ्योरी सीखने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे व्हाट इज़ क्रोमा, सैचुरेशन, ह्यू, टिंट, शेड, पूरी कलर स्कीम, कलर व्हील क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कलर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ हारमोनी, व्हाट इज़ कलर हारमोनी एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ कलर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हम जो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखते हैं, बस इन्हीं का दूसरा नाम है HUE। ये देखो, ये जो आउटसाइड की जो रिंग है, ये मैं घुमा रहा हूँ, ये डिफरेंट डिफरेंट ह्यूज है। ह्यू बस कलर्स का एक फैंसी नेम है। टिंट मतलब किसी पर्टिकुलर ह्यू में वाइट कलर का डाइल्यूशन कितना है। ये देखो, यहाँ मैं इस स्लाइडर वाइट से रेड की तरफ ले जा रहा हूँ, तो कलर में वाइट कम हो रहा है। तो जो प्योर वाइट है और प्योर रेड छोड़ के जो बीच में के सब कलर्स है, वो सब रेड के टिंट्स है। अगर किसी कलर में वाइट ऐड होता है, तो हम उसे बोलते हैं कि वो उस पर्टिकुलर कलर का एक टिंट है। शेड यानी एडिशन ऑफ ब्लैक कलर इन अ पर्टिकुलर ह्यू। शेड और टिंट में इतना ही डिफरेंस है कि टिंट में वाइट कलर ऐड होता है और शेड में ब्लैक ऐड होता है। जितना ज़्यादा हम किसी कलर में ब्लैक को ऐड करेंगे, हम उसे बोलते हैं वो कलर उतना शेड कर रहा है। देखो, मैं स्लाइडर लेफ्ट से राइट ले जा रहा हूँ, तो उसका शेड कम हो रहा है एंड वाइस वर्सा। यहाँ देखो, मैं स्लाइडर रेड से ग्रे की तरफ ले जा रहा हूँ, मैं रेड में ग्रे को ऐड कर रहा हूँ। अगर हम किसी कलर में ग्रे की मात्रा बढ़ाते हैं, ग्रे कलर की, तो हम उसे कहते हैं हम उसका क्रोमा कम कर रहे हैं। देखो, अगर हम ग्रे को बढ़ाएंगे तो उसका क्रोमा कम हो रहा है, शेड में ब्लैक को बढ़ाया तो उसका शेड बढ़ रहा था। इसमें अपोजिट है, अगर हमने ग्रे की मात्रा को बढ़ाई तो उसका क्रोमा कम होगा। एक छोटा सा रिकैप, अगर हमने वाइट को ऐड किया तो वो कलर और ज़्यादा टिंट हो रहा है, अगर हमने ब्लैक को ऐड किया तो वो कलर और ज़्यादा शेडेड हो रहा है, अगर हमने ग्रे को ऐड किया तो उसका क्रोमा कम हो रहा है। सैचुरेशन मतलब एक पर्टिकुलर ह्यू कितना प्योर है। उसमें अगर ग्रीन कलर है, तो उसमें ग्रीन छोड़ के जो और भी कलर्स ऐड हो रहे हैं, तो उनकी मात्रा कितनी है। अगर वो कम हो गए, अगर प्योर ग्रीन कलर होगा सिर्फ, तो कलर हम बोलते हैं वो कलर का सैचुरेशन ज़्यादा है। कंपैरेटिवली अगर कोई दूसरा ग्रीन है जिसमें डाइल्यूशन हो रही है ब्लैक और किसी दूसरे कलर से, तो उसका सैचुरेशन कम है। ल्यूमिनेंस मीन्स एक कलर कितना लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर हम फॉर एग्जांपल वाइट को देखेंगे, तो वाइट मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है कंपैरेटिवली टू ब्लैक। ब्लैक बहुत सारा लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हमें वो डार्क दिखता है। तो हम बेसिक ऐसा मान के चल सकते हैं कि जो कलर हमें ज़्यादा डार्क दिखता है, उसका ल्यूमिनेंस कम होता है। कंपैरेटिवली अगर कोई कलर हमें थोड़ा ब्राइट दिखता है, फॉर येल्लो और हम ब्राउन को लेंगे, तो येल्लो की जो ल्यूमिनेंस है वो ब्राउन के कंपैरेटिवली ज़्यादा है। प्राइमरी कलर्स में तीन कलर आते हैं, रेड, येल्लो और ब्लू। प्राइमरी कलर्स यानी ऐसे कलर्स कि जिसे आप कोई और कलर्स मिला के क्रिएट नहीं कर सकोगे। जैसे ब्लू कलर हो गया, आप कोई रेड या फिर ऑरेंज मिला के क्रिएट नहीं कर सकोगे ब्लू को, और बाकी के सब कलर इनसे बनते हैं। ऑरेंज, ग्रीन और पर्पल, ये तीन सेकेंडरी कलर्स हैं। सेकेंडरी कलर्स यानी वो कलर्स जो बनते हैं प्राइमरी कलर्स के मिक्सिंग से। अगर हम ब्लू और रेड को मिक्स करेंगे, तो हमारा सेकेंडरी कलर बनेगा पर्पल। अगर हम ब्लू और येलो को मिक्स करेंगे, तो ग्रीन बनेगा। और अगर हम येलो और रेड को मिक्स करेंगे, तो हमारा बनेगा ऑरेंज। अब हम देखेंगे टर्शरी कलर्स क्या होते हैं। सो बेसिकली टर्शरी कलर्स वो कलर्स होते हैं जो बनते हैं एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर के मिक्सिंग होने के बाद। ब्लू प्राइमरी कलर और पर्पल सेकेंडरी कलर को हम मिक्स कर देंगे, तो बनेगा ब्लू पर्पल। वैसे ही हम अगर येलो और ग्रीन को मिक्स करेंगे,
तो बनेगा येलो ग्रीन। टर्शरी कलर 6 होते हैं, जिसमें पहला है ब्लू पर्पल येलो ग्रीन, रेड पर्पल येलो ऑरेंज, रेड ऑरेंज और ब्लू ग्रीन। अब कलर स्कीम क्या होती है? कलर स्कीम को आप बेसिकली ऐसा समझ सकते हो, आपको किसी हाउस को कलर करना है तो आप 2 या 3 कलर चूज़ करोगे। समझ लो ग्रीन चूज़ किया, ग्रीन का एक डार्क शेड चूज़ किया और ग्रीन का एक लाइट शेड चूज़ किया, या फिर रेड येलो और ऑरेंज चूज़ किए, या फिर थोड़ा ब्लू के साइड पे जाएंगे तो एक इंडिगो लिया, एक कोई अल्ट्रा मरीन ब्लू ले लिया और एक वॉयलेट ले लिया। तो ये जो पेयर रहता है कलर का, वो होती है उस हाउस की कलर स्कीम। मतलब वो जो कलर आपने यूज़ किए हैं उनके पेयर को हम बोलेंगे कि ये एक पर्टिकुलर कलर स्कीम हमने यूज़ किया है। ऐसे कलर्स दैट गो वेल विद ईच अदर, अगर हम उनका एक ग्रुप बना दें तो हम बोलेंगे कि वो एक कलर हारमोनी हो गई। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कलर हारमोनीस। फर्स्ट डायरेक्ट हारमोनी, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, ट्रायडिक, एनालॉगस एंड टेट्राडिक हारमोनी। ये सब कलर कॉम्बिनेशन हमारे कलर व्हील पे बेस्ड होते हैं। अब हम पहले देखेंगे नंबर 1, डायरेक्ट हारमोनी। ये सबसे ईजी और सिंपल हारमोनी है। इसमें होता है कि अगर हमने एक कलर लिया ऑरेंज, तो उसके अपोजिट वाला कलर हमें लेना है, जैसे ब्लू। इधर हम देख सकते हैं कलर व्हील पे अगर कोई दो कलर एक दूसरे के अपोजिट है तो हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बोलते हैं। हमें डायरेक्ट हारमोनी में कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स चूज़ करने होते हैं, तो इसलिए बहुत बार डायरेक्ट हारमोनी को कॉम्प्लीमेंट्री हारमोनी भी कहते हैं। नंबर 2, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री हारमोनी। अब इसमें और डायरेक्ट हारमोनी में सिर्फ इतना फ़र्क है कि अगर हमने रेड कलर चूज़ किया तो हम उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर को चूज़ करने के बजाय हम उसके लेफ्ट और राइट वाले कलर्स चूज़ करेंगे। इसके हमने रेड चूज़ किया, हम अब ब्लू ग्रीन और येलो ग्रीन चूज़ करेंगे। अगर हमने येलो चूज़ किया तो हम वॉयलेट की जगह पे ब्लू वॉयलेट और वॉयलेट रेड लेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट हारमोनी की तरफ, जो है ट्रायडिक हारमोनी। इसके नाम में ही टी आर आई है, ट्राय यानी 3। तो इसमें बेसिकली होता है ये कि अगर हमने येलो चूज़ किया तो हम ब्लू और रेड चूज़ करेंगे। मतलब हमें 3 ऐसे कलर्स चूज़ करने हैं जो एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट हो। अगर हमने ग्रीन लिया तो हम वॉयलेट और ऑरेंज लेंगे। हम यहाँ एक इमेजिनरी इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं और उस ट्रायंगल के कॉर्नर जहाँ लाए करेंगे वो 3 कलर हो गए हमारे ट्रायडिक हारमोनी के कलर्स। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारी अगली हारमोनी की तरफ, जिसमें हमें ट्रायंगल के जगह पर एक स्क्वायर निकालना है। इसका नाम है टेट्राडिक हारमोनी। इस हारमोनी में हम 4 ऐसे कलर्स चूज़ करेंगे जो एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट हो। जैसे हम अगर येलो लिया, ब्लू ग्रीन लेंगे, वॉयलेट और रेड ऑरेंज लेंगे। ये 4 कलर हो गए हमारे टेट्राडिक हारमोनी में। अब हम बढ़ते हैं हमारे नंबर 5th यानी आखिरी हारमोनी की तरफ, जो है एनालॉगस हारमोनी। इस हारमोनी में अगर हमने कोई कलर पिक किया, फॉर एग्ज़ाम्पल रेड, तो उसके जो एडजेसेंट कलर्स हैं उसके लेफ्ट और राइट वाले, ये 3 कलर्स मिला के ये हारमोनी बनती है। यहाँ हमने रेड चूज़ किया था तो उसके लेफ्ट वाला वॉयलेट रेड और उसके राइट वाला रेड ऑरेंज, तो ये 3 कलर्स मिला के हमारी एनालॉगस हारमोनी कंप्लीट हुई। नाउ वी विल सी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ कलर्स। रेड कलर हैज़ बीन शोन टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड स्टिमुलेट द एड्रिनल ग्लैंड्स, while red color has been proved to be a color of vitality and ambition, it has been shown to be associated with anger. Orange color relieves the feeling of self-pity, lack of self-worth and unwillingness to forgive. Yellow color is happy and uplifting color, it can also be associated with intellectual thinking. Light blue makes us feel quiet and away from the rush of the day. This color can be helpful in eliminating insomnia. Purple has been used in the care of mental or nervous disorders because they have shown to help in balancing the mind and transform obsessions and fears. Brown color brings the feeling of stability and security. Black is the passive and can prevent us from growing and changing. White is the color of ultimate purity.
दिस कलर ब्रिंग्स फीलिंग्स ऑफ पीस एंड कम्फर्ट वाइल इट डिस्पेल्स शॉक एंड डिस्पेयर। और यहाँ ख़त्म होती है हमारी कलर साइकोलॉजी। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गए होंगे तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबा देना। एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।